गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं नोटिंग ड्राफ्टिंग को लेकर वीडियोस बनाऊं। ड्राफ्टिंग को लेकर मैं वीडियोस पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूं। आज नोटिंग के संबंध में, रिगार्डिंग नोटिंग, आई एम हियर विद अ लाइव वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ इट इज़ लाइव कि मैं आपके सामने ये LDC PS ग्रुप बी के जो पेपर फर्स्ट के अंदर जो नोटिंग पूछी गई थी, आई विल बी मेकिंग अ नोट शीट इन फ्रंट ऑफ यू वेरी मच लाइव। Live in the sense, I have pre-recorded this video. I'll be making it here on the word format, and I hope I'll be able to clarify with you कि भाई कैसे इसको sort out करना है। So हम सबसे पहले question देखते हैं। The question is, write an office note to be put up to the competent authority in regional office. तो friends, जब भी आप noting लगाएंगे, एक मिनट पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, note sheet आखिर होती क्या है, noting आखिर होती क्या है। नोटिंग से मतलब ये है कि जब भी ऑफिस के अंदर कोई लेटर या कोई इश्यू रिसीव होता है तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने लाने की, पुटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न्ड ब्रांच के ओए की, पीए की होती है। वो क्या करते हैं, फाइल के अंदर नोट शीट पुटअप करते हैं। मैं ग्रुप में एक फाइल का फोटो डालने वाला हूँ जिसमें नोट शीट कैसी दिखती है, क्या होती है, आपको समझ में आ जाएगा। वो जो नोट शीट होती है उसमें पोस्टल असिस्टेंट की या ऑफिस असिस्टेंट की, इट इज़ इट्स हिज फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पूरे मैटर को ब्रीफ में वो ऐसे प्रेजेंट करे जिसके ऊपर सीनियर अथॉरिटी कोई ना कोई प्रकार का डिसीजन ले पाए। दिस इज वॉट नोटिंग इज ऑल अबाउट। नोटिंग जनरली वो ग्रीन रंग का पेपर होता है, और अगर आपको पेपर में बनाने को आती है तो आपको कुछ इस तरीके से चलना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं शेप से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश ही कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इस तरीके से एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ आप कर दीजिएगा अपने पेपर में, जिससे कि नोट शीट का फॉर्मेट लगने लग जाए। जो नोट शीट होती है उसके अंदर पहले से ऐसे एक लाइन बनी हुई होती है, तो आप प्लीज़ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। मैं लाइन के इस तरफ कैसे लिख पाऊंगा ये मुझे नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा सिंपली, और जिससे कि ये नोट शीट के स्वरूप में आ जाए, लगने लगे कि नोट शीट है। ये फिलहाल इस लाइन को ऐसे हटा देता हूँ जिससे मैं आपको सिंपली बता पाऊँ। द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक वाइल सॉल्विंग द नोट शीट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट 1/n राइट एट द टॉप। इसको यहाँ पे एकदम बीचों बीच, बड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ आप लिख दीजिएगा। 1/n से क्या मतलब है, 1/n से मतलब है दैट दिस इज पेज नंबर 1 ऑफ द नोट शीट। क्योंकि आप एक ही नोट शीट का एक ही पेज यूज करने वाले हैं, एक ही नोट लगाना है आपको, तो इसको आप कर लीजिएगा 1/n। और इसको थोड़ा सा नीचे लिखिएगा क्योंकि राइट टॉप पे, इस जगह पे जो ऊपर का हिस्सा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्पेस है, यहाँ वाला नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको इधर कर लेते हैं, ये वाला एरिया है, यहां पे आपको फाइल नंबर इंडिकेट करना है। अब जरा हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है, राइट एन ऑफिस नोट टू बी पुट अप टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रीजनल ऑफिस फॉर अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच पोस्ट ऑफिस इन डिविजन एक्स। तो कह रहे हैं कि डिवीजन एक्स के अंदर एक नया पोस्ट ऑफिस खोलना है, उसके लिए आपको नोट शीट पुट अप करनी है सीनियर अथॉरिटी के सामने कि एक नया पोस्ट ऑफिस खोलने वाला है, भाई कैसे हम उसको खोल सकते हैं, आप परमिशन दे दीजिए। तो सिंपली यहां से हम एक फाइल नंबर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फाइल नंबर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं डिविजन एक्स है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं division.x/opening न्यू PO /urban/2022-23। ऐसे करके कुछ भी आर्टिफिशियल नंबर हम यहां पे क्रिएट कर दें। अच्छा, मैंने अर्बन क्यों लिखा है, इसका रीजन मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहां पर इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि अर्बन पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है या रूरल पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। मैंने यहां अर्बन क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी बताता हूं। तो सिंपली हम यहां से नोट शीट पुटअप करना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सैल्यूटेशन, सर पुटअप एट 1/r इज लेटर फ्रॉम डिवीजन एक्स रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ न्यू पोस्ट ऑफिस इन द डिवीजन। अब देखिए,
जब यहां पर बात की जा रही है कि डिवीजन एक्स के अंदर एक पोस्ट ऑफिस खुलना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको अज्यूम करना पड़ेगा दैट डिवीजन एक्स के सुपरिटेंडेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई होगी जिसमें यह लिखा होगा कि नया पोस्ट ऑफिस खोला जाना है। तो मैंने यहां सिंपली लिख दिया दैट पुट अप एट 1 आवर इज लेटर फ्रॉम, यहां आप लिख सकते हैं SSPOs डिवीजन एक्स रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ न्यू पोस्ट ऑफिस इन द डिवीजन। द लेटर बाय द सेड लेटर, हम ऐसे लिखते हैं द सेड लेटर इज, एक मिनट इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए लेटर फ्रॉम लोकल MP इज ऑल्सो अटैच्ड हियर विद हु हैज ऑल्सो रिकमेंडेड द ओपनिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन द सेड एरिया। और इसके लिख देंगे ब्रैकेट में, यहां पे लिख देते हैं 2/r। ये 1/r 2/r का कह रहा हूं, 1/r का मतलब है कि ये जो लेटर है ना फाइल में 1/r पे लगा हुआ है और एक और लेटर है ये फाइल में 2/r पे लगा हुआ है। अब बात करते हैं स्कोरिंग की, मार्क्स कैसे आएंगे। मार्क्स ऐसे आएंगे कि आपको ये तो बता दिया गया है कि एक नए पोस्ट ऑफिस को ओपन करने के लिए लेटर लिखना है, बट हमने जो अजम्पशंस लिए हैं वो हमें मार्क्स दिलवाएंगे। अजम्पशन क्या लिया है हमने, हमने लिया है कि SSPOs एक्स डिवीजन ने एक लेटर भेजा है एंड दैट लेटर इज सपोर्टेड बाय द लोकल मेंबर, इसको मेंबर ही कर लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जनरली क्या होता है कि किसी सिटी के अंदर किसी एरिया में अगर पोस्ट ऑफिस चाहिए होता है तो वहां के जो लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे फॉरवर्ड यू अ सिंपल एप्लीकेशन, दे विल फॉरवर्ड टू द SSPOs एंड SSPOs विल फॉरवर्ड इट टू द रीजनल हेड फॉर ओपनिंग परमिशन। तो भाई हमने 1/r पे और 2/r पे दोनों पे पुटअप कर दी। नाउ व्हाट आर द मार्क्स गेनिंग पॉइंट, देखिए 1/r लिखना 2/r लिखना, ये एडिशनल पॉइंट इसमें इंसर्ट करना, यहां पे आपको अपनी नॉलेज को प्ले में लाना पड़ेगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी को प्ले में लाना पड़ेगा कि इस तरह के पॉइंट्स को आप लेकर आए जो कि आपसे आपके एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। 17-18 मार्क्स तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे 50 में से ड्राफ्टिंग नोटिंग में, बट टू गेट टू 30-35-36 यू हैव टू डू सच थिंग्स। सच थिंग्स से मेरा मतलब है जैसी इनोवेटिव चीजें जो हैं आपको जोड़नी पड़ेंगी। ये 1/n लिखना आपको मार्क्स दिलाएगा, 1/r लिखना दिलाएगा, 2/r लिखना दिलाएगा, ये एडिशनल दिलाएगा। और दूसरी बात, ये फाइल नंबर डालना लगाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा था मैंने अर्बन लिखा है। व्हाई रिटन दिस अर्बन हियर, बिकॉज पोस्ट ऑफिसेस कैन बी ओपन इन टू प्लेसेस, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, और इन दोनों की ही नॉर्म्स अलग हैं। सो व्हाइल आई एम पुटिंग अप अ नोट एंड आई हैव टू मेक इट वेरी गुड, सो आई हैव द नॉलेज कि अर्बन रूरल की अलग अलग नॉर्म्स हैं। सो मुझे जिसकी नॉर्म से कंफर्ट है ना, या मुझे जिसके बारे में पता है, मैंने उस हिसाब से फाइल बना दी। यानी वहां पे दो फाइल होंगी, एक ओपनिंग ऑफ अर्बन POs और एक होगी ओपनिंग ऑफ रूरल POs। अब इस नोटिंग को हम आगे ले जाते हैं। द सेड, इसको पहले बोल्ड हटा लेता हूं मैं जिससे आपको अलग से दिखे, द सेड पोस्ट ऑफिस इज प्रपोज्ड इन, प्रोपोज्ड इन, कुछ भी ले लेते हैं, XYZ एरिया which is a prime location, इस तरीके से कुछ लिख दीजिए, prime location and details as per norms are tabulated as below। सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे ये कह दी कि जिस जगह पे पोस्ट ऑफिस खुलना है दैट इज अ प्राइम लोकेशन, और उसकी डिटेल्स को जिसको मैं पैराग्राफ्स में भी लिख सकता था, आई कुड हैव रिटन दीज डिटेल्स इन अ पैराग्राफ ऑल्सो, बट अनदर मार्क्स गेनिंग पॉइंट इज टेब्यूलेशन। सो व्हाट विल आई डू, आई विल मेक अ टेबल हियर, इंसर्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा, मान लीजिए इस तरीके से एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, लोकेलिटी, और देखिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उस चीज़ को हम सबको लेके चलते हैं। लोकेलिटी, और हम लिख देते हैं नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वहाँ पे कौन सा है, एक इंपॉर्टेंट नॉर्म है कि भाई आसपास अगर पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी है तो दूसरा खोलने की क्या जरूरत है। सो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक और चीज, यहाँ लिख देते हैं अप्रॉक्स पॉपुलेशन, और यहाँ पे हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स, आप पहले सोच लीजिएगा तभी अपने पेपर में बनाइएगा, और हम इंसर्ट कर सकते हैं मेन बिजनेस, हमें वहाँ से क्या मेन बिजनेस मिल सकता है उस लोकेलिटीज़ में।
सीरियल नंबर वन है लोकेलिटी, जैसे हम प्रपोज कर रहे हैं एक्स वाई जेड, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है एबीसी, अप्रॉक्स पॉपुलेशन है से 7000 पॉपुलेशन सर्व करी जाएगी, नियरेस्ट पॉपुलेशन दूर है, मेन बिजनेस क्या है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस, और सेकंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेविंग्स बैंक, सेविंग्स बैंक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं बिजनेस मैन रेसिडेंसेस कि भाई, एंड लिख सकते हैं डॉक्टर्स कॉलोनी। इस तरीके से कुछ भी इमेजिनेटिव लिखे कि हम ये जो पोस्ट ऑफिस प्रपोज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इस एरिया में ये सब चीजें आती हैं, और एज पर नॉर्म्स आप ही समझ लीजिए अर्बन एरियाज में अगर पोस्ट ऑफिस खुलना है तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोस्ट ऑफिस 1.5 किलोमीटर इन सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ 20 लैक्स एंड अबव 2 किलोमीटर इन अर्बन एरियाज। तो यहां नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में ब्रैकेट में लिख देते हैं 3.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम प्रपोज्ड पोस्ट ऑफिस। यहां से चीज हमारी स्ट्रांग होनी शुरू होगी, हम इस तरीके की नॉलेज को ना शो ऑफ करेंगे कि भाई 3.5 किलोमीटर दूर है प्रेजेंटली प्रपोज पोस्ट ऑफिस से, यहां जिस एरिया को सर्व करने की बात कर रहे हैं इसकी पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्स 7000 लोगों की है। हमें मेन कौन कौन से बिजनेस गेन करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफिसेज के करेंगे, हम सेविंग्स बैंक के करेंगे, बिजनेसमैन रेसिडेंसेज हैं तो हमारा बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर्स कॉलोनी है तो मतलब पोस्ट ऑफिस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। फिर हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं डिटेल्स एज पर नॉर्म्स आर टेबलेटेड एज बिलो। तो भाई यहाँ पे हमने डिस्टेंस वाली बात भी लिया है, हम पॉपुलेशन वाली बात भी लिया है, हम क्यों वहाँ जा रहे हैं वो भी लिख दिया। अब जैसे क्या लिखा है, हेड ऑफ द सर्किल जो है रिलैक्स कर सकता है कंडीशन को 10% से, इट शुड बी शो अ प्रॉफिट ऑफ 5% टू बी एलिजिबल फॉर फर्दर रिटेंशन, और इस तरीके से हम यहाँ पे सब ऑफिस खोल सकते हैं। ऐसी देखिए ये डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के नॉर्म्स हैं और ये रूरल पोस्ट ऑफिस के नॉर्म्स हैं। सो अर्बन को हम इसलिए पकड़ लेते हैं कि यहाँ सिंपली दे रखा है, यहाँ जो रूरल वाला है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है पॉपुलेशन वगैरह की। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी नोटिंग को कंपाइल करके बनाया कि फ्रेंड्स we have received an application from SSPOs regarding opening of post office. One point, that application has been supported by the local member of parliament. That means कि local member of जो parliament है उनके पास वो application public के through पहुंची होगी. Third, that the post office is proposed in area जो prime location है, और उस prime location की detail क्या है, XYZ है, nearest post office ये है, उसका distance ये है, approx population served कर देते हैं हम यहाँ पे, served ये है, एंड मेन बिजनेस वहां पे हमको ये मिलेगा। सर इफ एग्रीड, अब हम आगे यहां पे खत्म नहीं करेंगे, हम यहां लिखेंगे सर इफ एग्रीड द प्रपोजल फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू पोस्ट ऑफिस मे बी अप्रूव्ड एंड फॉर द पर्पस द स्टैंडर्ड norms ruling is submitted at 3/R for your kind perusal and further necessary directions। ये यहां पर हम इसको खत्म करते हैं। सर अगर आप अग्री करें, ये नोटिंग में जरूर यूज करिएगा ये वर्ड, सर इफ एग्रीड द प्रपोजल फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू पोस्ट ऑफिस मे बी अप्रूव्ड, मे बी अप्रूव की जगह लिख देते हैं मे बी कंसिडर्ड एंड फॉर द पर्पस द स्टैंडर्ड नॉर्म्स रूलिंग, नॉर्म्स ऑब्लिक कर देते हैं, नॉर्म्स ऑब्लिक रूलिंग इज सबमिटेड एट 3/R, अपनी फाइल में मैं वो भी लगा के डाल रहा हूं आपको, ये वाली रूलिंग जो है लिख के दे रहा हूं फॉर योर काइंड पेरूजल, आपके देखने के लिए और फर्दर नेसेसरी डायरेक्शन हेतु। सो नोटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्वेश्चन आया है उसे आप अच्छे से कंपाइल करें, जो हमने यहाँ पे कंपाइल किया उसको अच्छे से सपोर्ट करें, उसकी रूलिंग को पुट अप करना इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनली इट इज़ आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ यू नो डायरेक्शन टू दैट नोटिंग दैट इट मे बी कंसिडर्ड। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी पूरी हो रही हैं। यहाँ आप ये भी लिख सकते थे दैट इफ एग्रीड SSPOs may be asked to resubmit the application। इसको resubmit वाले को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जो question था ना वहां इन्होंने कहा था approval के लिए लिखें,
यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच पोस्ट ऑफिस। एक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ ब्रांच पोस्ट ऑफिस लिखा ही हुआ था। अब इसको हम सही कर लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो इस वाले को हम हटा देते हैं यहाँ से। इफ अग्रीड द प्रपोजल फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू पोस्ट ऑफिस मे बी कंसिडर्ड, और इसके लिए मैंने रूलिंग वूलिंग लगा दी है। अब एक जो मैं मिस्टेक कर गया था कि यहाँ वर्ड यूज किया है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, बट फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। यहाँ फाइल नंबर को ले लेंगे हम, यहाँ लिख देंगे रूरल। पोटापेट बना ऐसे रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ न्यू पोस्ट ऑफिस इन द डिवीजन, अ लेटर फ्रॉम लोकल मेंबर ऑफ पंचायत लिख लेते हैं, पंचायत इज ऑल्सो अटैच हियर विद, हु हैज ऑल्सो रिकमेंडेड ओपनिंग रिकरेंट पोस्ट स्टेड, द पोस्ट ऑफिस इज प्रपोज इन एक्स वाई जेड एरिया विच इज, इसको हटा देते हैं प्राइम लोकेशन वाली बात, एरिया एंड ये हटा देते एंड डिटेल्स एज पर नॉर्म्स आर टेबलेटेड एज बिलो। वन ये है, लोकेलिटी ये है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। अब देख लेते हैं नॉर्म्स में, फिर से आ जाते हैं हमारी नॉर्म्स में क्या लिखा है। हमारे नॉर्म्स में लिखा है कि अगर रूरल एरिया में खोल रहे हैं तो डिस्टेंस होना चाहिए 3 किलोमीटर, हमने तो ऑलरेडी 3.5 किलोमीटर लिखा है। अप्रॉक्स पॉपुलेशन सर्व 7000, हमने तो ऑलरेडी लिखा है कि भाई 500 पॉपुलेशन इन इंडिविजुअल विलेज और 1000 इन ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो हमने तो इन नॉर्मल एरियाज 3000 पॉपुलेशन, तो हमने तो ऑलरेडी 7000 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाँव है या 5000 कर लेते हैं। एंड मेन बिजनेस क्या है, यहाँ हमको अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अगर रूरल एरिया के पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस नहीं जाएगा, बट यहाँ पर हम ये चीज़ कहेंगे कि जो बिजनेस है हाईली हाईली पॉपुलेटेड एरिया। सेकंड हम लिख सकते हैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर एरिया तो इन्वेस्टमेंट्स फॉर विलेजर्स विलेजर्स इन स्मॉल सेविंग्स स्कीम। चौथा हम ये लिख सकते हैं कि सोशल सोशल मोटिव, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी लिखा है 33% भी अगर कॉस्ट निकाल रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर नहीं है। हम रूरल एरियाज में जो काम करते हैं ना उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉफिट मोटिव से काम करें। सोशल मोटिव इसके अंदर से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेन सपोर्टिंग पॉइंट्स। ये हम मान सकते हैं कि हमें जो मेंबर हैं उन्होंने अपनी उसमें कहा होगा कि भाई हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेस्ड है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा CSC जैसे ट्रांजेक्शन एंड एंड एंड। यहाँ पे एक चीज़ हो सकते हैं नो बैंक इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इस तरीके से करके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे, और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी जब चीज़ होगी तो उसके नॉर्म्स रूलिंग को इसी तरीके से पुट अप करके कंक्लूसिव बात कहेंगे एंड देन यू विल बी मार्किंग इट टू ADPS। देखिए रीजनल ऑफिस की बात करी थी क्वेश्चन में, बात कही थी रीजनल ऑफिस में, यू आर नॉट सपोज टू पुट अप डायरेक्टली टू द PMG, सो यू विल राइट ADPS/PMG ऐसे करके आप लिख देंगे, ठीक है। और ये फाइल यहां से फॉरवर्ड हो जाएगी, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है कहां गया शेप पे पिक्चर क्लिप आर्ट शेप्स बॉक्स लेने, इस एरिया में आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, आप यहां पे अपने साइन करिएगा, और साइन करने के बाद ना आपको यहां पे डेट भी डालनी है, ठीक है। डेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां ध्यान रखें कि यहां पे आपको साइन प्लस डेट दोनों डालनी है। तो जब पोस्टमास्टर यहाँ पे आपके असिस्टेंट डायरेक्टर साहब कुछ कमेंट लिख सकते हैं, उसको PMG साहब को फॉरवर्ड करेंगे एंड PMG साहब विल आइदर अप्रूव इट और डिसअप्रूव इट, दैट इज ऑन देम। तो कुछ इस तरीके से आप नोट शीट को एग्जीक्यूट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऊपर फाइल नंबर लिखना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, दिस विल गिव यू सम मार्क्स, रूलर अर्बन मैंने आपको बताया। 1/N 2/N 3/N मार्किंग ऑफ पेज नंबर करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। सैल्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 1/R 2/R 3/R इस तरीके से अगर आप बीच में यूज करेंगे द पर्सन विल नो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ अ फाइल इज यू नो कैप्ट इन अ पोस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। इसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स को भी जरूर जोड़ें। टेबुलेट करें, जो भी डाटा आपको मिले उसको अच्छे से टेबुलेट करें कि भाई इस तरीके से टेबुलेशन इसका करेंगे हम लोग, और ये पॉइंट्स है, जिससे आपके ऑफिसर एक नज़र में ही पहचान जाएं कि भाई हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। रूलिंग के बारे में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन जरूर दें, जैसे कि हमने यहाँ पे नॉर्म्स रूलिंग, और उसको फाइल में कहीं ना कहीं पुटअप करके ही फॉरवर्ड करके भेजें ऐसे केस के अंदर। और इफ एग्रीड, अगर उचित समझा जाए, अगर सही समझें तो इस प्रपोजल को कंसिडर किया जा सकता है।
आगे आपके सीनियर ऑफिसर्स की मर्जी। तो दोस्तों ये था नोटिंग का पूरा कंटेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो सेकंड नोटिंग दी थी इसके अंदर रीजनल ऑफिस हाईलाइटिंग, पीएमए एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है ए डिवीजन के अंदर, इसके ऊपर एक आप नोटिंग बनाएं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, पर्सनली भेजें, और हम लोग मैं आपको वन बाय वन भी पर्सनली डिस्कशन करने के लिए रेडी हूँ। ऑन दिस नोट आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, नोट शीट बस ऐसे ही बनती है, इतनी ही भी बनती है, ये मार्क करना बहुत ज़रूरी है, सिग्नेचर ज़रूर करके आइएगा, डेट ज़रूर डाल के आइए, यहाँ पे डेट यहाँ पे लिख दी है, ये पेज नंबर वगैरह जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब यूज़ कीजिएगा। ये कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, डेटा नहीं है स्टैंडर्ड, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ज़रूर है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में इसको फॉलो कर लेंगे ना मजा आ जाएगा। ऑन दिस नोट आई विल क्लोज द वीडियो, आई विल टेक योर लीव, अ वेरी गुड नाइट फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, और कोई रिक्वायरमेंट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर गाइज, बाय बाय।